बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जॉब एंड करियर चैनल की तरफ से जितने भी नए सब्सक्राइबर आए हैं उनको मैं खुशामदीद कहता हूं और उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्रिप्शन से उन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो लोग आसानी से नई जितनी भी जॉब के एडवर्टीज़मेंट या वीडियोज़ हम लोग पोस्ट करेंगे उनका नोटिफिकेशन हासिल कर सकेंगे। और नोटिफिकेशन कब हासिल हो सकता है, जब आप बेल के आइकन को भी साथ क्लिक करें। अदरवाइज़ जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये होता है कि आपको सिर्फ एक हाइलाइटेड जो सब्सक्रिप्शन की होती है वो हाइलाइट हो जाता है अगर कोई नई वीडियो आए। ओके, अब हम इस आज की जॉब अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। आज की जॉब अपॉर्चुनिटी है शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से रिलेटेड है। इसमें किन मुलाजमों के लिए असामियां हैं, जिसमें सबसे पहले कुक है, वेटर है, डिशवॉशर है, प्लम्बर है, सैनिटरी वर्कर है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है और अपहोलिस्टर है। मुराद क्या है, पुरकशिश सैलरी है, पेशावराना तरक्की है, मुसलसल तालीम और काम से रिलेटेड बेहतरीन माहौल है और मुफ्त भी सहूलियात हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तिबी सहूलियात दी जाती हैं और इसके अलावा प्रोविडेंट फंड है। सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्तों पर गौर किया जाएगा, आप ऑनलाइन जाएं और इनकी दरख्वास्त को जो है ना आप देख सकते हैं। ज़ैल में ईमेल एड्रेस पर अपनी दरख्वास्त भेजें और उनवान में मतलूब आसामी का नाम लिखें। बड़ा सिंपल सा काम है, एक कागज़ पे आप दरख्वास्त लिखवा लें किसी भी जगह से या ख़ुद लिख लें। तो उससे उसके बाद उसे क्या करें, उसको स्कैन करें, या उससे बेहतर है कि जब आप ईमेल टाइप करवाएं या अपना ईमेल बनाएं किसी भी जगह पे जाके, किसी भी इंटरनेट कैफ़े से ईमेल बनवाएं या किसी भी कंपोजिंग सेंटर से अपना ईमेल बनवाएं और उसके बाद उसी ईमेल से आप क्या करें, उस ईमेल के अंदर एक दरख्वास्त लिखें कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उस जॉब को जो ईमेल है उसके सब्जेक्ट में वो जॉब का नाम लिखें और जो है वो इस ईमेल पे सेंड कर दें careers@shaukatkhanam.org.pk के ऊपर, तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर लेंगे। ये आसान सा तरीका है और इस तरीके से आप जॉब के लिए अप्लाई करें ताकि आपको मतलूबा जॉब के लिए कॉल आ सके। शुक्रिया दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।